हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेचुरल लाइफ। मैं हूं रीना और आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूं सोफे के कवर। दोस्तों, जो सोफा के कवर मैंने बनाए हैं वो मैंने खुद नहीं सोचा था कि इतने ज्यादा सुंदर बनेंगे। मैं अपने सोफा के जो पुराने कवर थे उससे बोर हो चुकी थी, कुछ नया चाहती थी, तो मैंने कुछ नया ट्राई किया और वो इतने ज्यादा अच्छे बने हैं। आई होप आपको भी बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे। अगर आप नए सोफे खरीदना चाहते हैं और इस वक्त नहीं खरीद सकते हैं तो डेफिनेटली आप इस आइडिया को ट्राई करें। ये आपके पूरे सोफे का लुक चेंज कर देंगे और आपका जो पुराना सोफा है वो एकदम न्यू लुक में आ जाएगा। तो चलिए हम जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। और हाँ दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करें। दोस्तों, ये है मेरा सोफ़ा, लेकिन ये काफ़ी पुराना है। इसके ऊपर मैंने सोफ़ा कवर लगाए हैं लेकिन ये मुझे पसंद नहीं है क्योंकि उससे पूरा सोफ़ा कवर नहीं होता है और जो सोफ़े के साइड से जो पुराना हो गया वो सब दिखता है। तो मैं सोच रही थी नया सोफ़ा कवर बनाने के लिए, तो इसके लिए मैंने यूज़ की है एक बेड शीट। ये बेड शीट 5x6 inches की है। मैं सोच रही थी कि अगर अच्छा बनेगा तो अच्छा फैब्रिक लेकर बनाऊंगी, फैब्रिक वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने पुरानी बेडशीट ली है। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, इतना अच्छा कवर बनकर मेरा रेडी हुआ है कि आपको भी बहुत पसंद आएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस तरह से मेज़रमेंट लेना है। सबसे पहले जो सिटिंग एरिया है वहाँ से लेकर नीचे तक का हमें मेज़रमेंट लेना है, जो कि मेरा हो रहा था 34 inches। तो मैंने उसमें 2 inches एक्स्ट्रा लिया है, यानी कि 36 inches लिए हैं। अब मैं यहाँ से इसका मेज़रमेंट लूँगी, इसकी जो चौड़ाई है वो, तो वो मेरी हो रही थी 42 inches, तो मैं इसमें 2 inches एक्स्ट्रा बढ़ाकर 44 inches लिया। और इसके साइज़ का जो फैब्रिक था वो मैंने यहाँ से कट कर लिया है बेड शीट से। और जैसे जैसे हम फैब्रिक कट करते जाएंगे, हम सोफ़े के ऊपर इस तरह से सेट करके रखेंगे। अब जो ऊपर का मेज़रमेंट है वो मेरा हो रहा है 18 inches, तो मैंने लिया है 20 inches। अब यहाँ पर साइड से हमें मेज़रमेंट लेना है, जो कि मेरा हो रहा है 54 inches, तो मैं ले रही हूँ 56 inches। तो 20x56 inches का ये फैब्रिक मैंने कट कर लिया है और इसके ऊपर इस तरह से हमें इसे सेट कर लेना है। अच्छे से सेट करने के बाद ये स्टेप सबसे ख़ास है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जो हमारा सोफ़े का हैंडल होता है वहाँ पर अच्छे से एडजस्ट करके इस तरह से हमें कटिंग कर लेनी है। जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, उस तरह से आपको यहाँ पर सोफ़े के हैंडल की तरह सर्कुलर शेप में कट कर लेना है और ऐसे ही हम सेकंड साइड से भी कट कर लेंगे। दोनों साइड से कट करने के बाद ऊपर का और नीचे का जो फैब्रिक है उसे इस तरह से आमने सामने राइट साइड रखते हुए हमें ऊपर से सिलाई करके इसे जॉइंट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे वापस से यहाँ पर सेट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर साइड से जो सोफे का हैंडल है वहाँ से मेज़रमेंट लेना है। तो नीचे तक मेरी जो लेंथ हो रही है वो है 32 inches, मैं एक्स्ट्रा 1 inches ऐड करके 33 inches ले रही हूँ। अब हमें यहाँ पर इसकी चौड़ाई लेनी है, तो मेरा हो रहा है 24 inches, तो मैं इसमें 1 inches ऐड करूँगी, तो 25 inches मैं लूँगी। तो ये मैंने उसी साइज़ का एक फैब्रिक कट कर लिया है। अब इस फैब्रिक को हमें यहाँ पर इस तरह से टर्न करना है और ऊपर सिलाई करके अटैच कर लेना है। और इसी मेज़रमेंट से हमें एक साथ ही दोनों फैब्रिक कट कर लेने हैं क्योंकि हमें सेकेंड साइड के लिए भी सेम फैब्रिक चाहिए। और जो हमें फैब्रिक जॉइंट करना है वहाँ पर आप ध्यान से देखिए, जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ, यहाँ से सीधी लाइन के बाद जो हमने सर्कल शेप में कट किया था वहाँ पर हमें सीधा सर्कल शेप में ही इसे इस तरह से अटैच करते जाना है और बाद में जो फैब्रिक बचेगा उसे ऐसे ही छोड़ देना है। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से यहाँ पर इसे अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर ऊपर देखिए आप, तो यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा कर्व देते हुए, थोड़ा सा राउंड शेप देते हुए इसे कट कर लेना है। अब मैं एक और बेल्ट लूँगी जो यहाँ पर साइड से ओपन दिख रहा है, उस सब एरिया को ये कवर कर ले। उतनी साइज़ का हमें बेल्ट लेना है और इस बेल्ट को मैंने यहाँ पर इस तरह से सेट किया है।
ये देखिए आप हमें सिलाई की जगह छोड़ते हुए इसे इस तरह से सेट करना है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है वीडियो में, उस तरह से आपको जो फैब्रिक है वहाँ से साइड से इसे कट कर लेना है। अब ये जो बेल्ट हमने कट किया है उसे हमें नीचे से मिलाते हुए इस तरह से यहाँ पर सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो ये नीचे से लेके ऊपर तक मैंने यहाँ पर इसे सिलाई करके अटैच कर लिया है। तो अब देखिए बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग आ गई है। जैसे जैसे हम करते जाएंगे वैसे हमें सोफे को इसके ऊपर ही लगाकर देखना है, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। अब हम यहाँ पर फ्रंट साइड से इसका मेज़रमेंट लेंगे। तो जो इसकी लेंथ है वो मेरी हो रही है 20 इंचेस, और मैं 1 इंचेस बढ़ाकर 21 इंचेस लूँगी। और यहाँ पर साइड से हम जो ऊपर का सबसे ज़्यादा एरिया है वहाँ से मेज़रमेंट लेंगे, तो मेरा 8 इंचेस हो रहा है तो मैंने लिया है 9 इंचेस। तो इस तरह के मैंने 9 बाय 21 इंचेस के दो फैब्रिक कट कर लिए हैं, और एक फैब्रिक को मैं इस तरह से यहाँ पर ऊपर रखूँगी, और जिस तरह से अंदर का जो डिज़ाइन है उस तरह से मैं चौक से मार्जिन करके इसके ऊपर ड्रॉ कर लूँगी। तो ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है, और इसके ऊपर जो निशान हल्के थे उसके ऊपर मैंने फिर से इसे मार्क करके थोड़ा सा डार्क कर लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो शेप था हमारे सोफे के आगे का वो शेप रेडी हो चुका है। अब दोनों फैब्रिक को मैं इस तरह से सेट कर लूँगी और इसे हमें कट कर लेना है। तो देखिए दोनों साइड के लिए कितने ब्यूटीफुल से शेप हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इसे हमें यहाँ पर इस तरह से सेट करना है, और मैं मिडल में यहाँ पर मार्क कर लूँगी और ऊपर के फैब्रिक में भी मार्क कर लूँगी। अब इन दोनों मार्क को मिलाते हुए मैं पकड़ूँगी और यहाँ पर हमें सिलाई करके दोनों साइड से इसे अटैच कर लेना है। सो फ्रेंड्स देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई करके इसे अटैच कर लिया है, बहुत ही अच्छे से फिटिंग आ गई है इसकी। इसी तरह से हमें सेकंड साइड भी सारे पार्ट्स को अटैच कर लेना है। अब यहाँ पर ऊपर देखिए ये थोड़ा सा ऊपर आगे तक आ गया है, तो मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा एक और फैब्रिक लगा रही हूँ। आप चाहें तो पहले से ही यहाँ पर थोड़ा सा और फैब्रिक रख सकते हैं, एक्स्ट्रा फैब्रिक रख सकते हैं। अब इस फैब्रिक को वापस से लगाना है तो कॉर्नर पर आपको इस तरह से अटैच करना है, तो आपको बहुत आसानी होगी। ये देखिए बहुत ही अच्छे से अच्छी फिनिशिंग के साथ ये हमारा अटैच हो चुका है। सो गाइस ये हमारा सोफ़ा कवर लगभग लगभग रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर हम लगा के देखते हैं, कहीं से कोई भी कमी है तो हमें इसे ठीक कर लेना है। वैसे तो बहुत ही अच्छी फिटिंग आ गई है इसकी, ये बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, लेकिन सेफ्टी के लिए और ये इस तरह से ऊपर ना हो जाए या बाहर ना निकल आए इसके लिए मैंने यहाँ पर डोरी भी अटैच कर ली है और डोरी को सिल लिया है। अब जो ये पूरा नीचे का एरिया है वहाँ पर हमें इस तरह से डबल फोल्ड करना है और ऊपर सिलाई कर लेनी है। सो फ्रेंड्स रेडी है ये हमारा सोफे का ब्यूटीफुल कवर। अगर आप इस मेथड से करते हैं तो आपका कैसा भी डिज़ाइन का सोफ़ा है आप बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इजीली और अच्छी फिटिंग का कवर बना सकते हैं। मैंने तो ये बेडशीट से बनाया था लेकिन मैं सोच नहीं सकती हूँ कि इतना ज़्यादा अच्छा बनेगा, और ये फ्लावर प्रिंट भी मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई है। बाकी तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा। आई होप दोस्तों आपको भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, आपको ये पसंद आया होगा। तो प्लीज़ दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है मैंने, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और ऐसे इंटरेस्टिंग और वीडियो के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। हम फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय भारत।